तो कुछ टाइम पहले मैंने रिव्यू किए थे बोट बेस एट 152 और बोट बेस एट 162, पर गाइस काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये थी कि कौन से एयरफोन ज्यादा बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको लेने चाहिए बोट बेस एट 152 या फिर 162। क्या हाल है गाइज, मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर इन्फो कार्ड में से। पर रिसेंटली बोट ने प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे लॉन्च किए थे 100 सीरीज में, काफ़ी सारे ईयरफोन्स लॉन्च किए थे बोट पे सेट 152, 162, 72, 82। तो रिसेंटली मैंने 152 और 162 को रिव्यू किया था तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कौन से ईयरफोन ज़्यादा बढ़िया हैं। तो आज सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे हम। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो ईयरफोन्स की बात करें तो ये बोट पे सेट 100 सीरीज के ईयरफोन्स हैं, काफी अच्छे ईयरफोन्स हैं बजट रेंज के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो दोनों ईयरफोन्स बिल्कुल आइडेंटिकल नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह ही हैं, काफी सिमिलर हैं ये बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी में। पर डिजाइन के मामले में इनके अंदर एक बस छोटा सा डिफरेंस है जो कि इसके फिट का है। जो बोट पे सेट 162 है वो बस थोड़े से अच्छे फिट होते हैं आपके कान में एज कम्पेयर टू बोट पे सेट 152। बाकी कंफर्ट लेवल दोनों ईयरफोन्स का काफी सिमिलर है, काफी कंफर्टेबल दोनों ईयरफोन्स हैं और आप इजिली इसको पूरा दिन सुन सकते हैं गाने आप सुनना चाहो तो। पर जहां तक इसकी बिल्ड क्वालिटी कंसर्न है तो ये दोनों ईयरफोन्स काफी बढ़िया बने हुए हैं। यहाँ पर आपको आउटर साइड में दोनों ईयरफोन्स में मेटल देखने को मिलता है और इसके इन साइड में प्लास्टिक, और यहाँ पर दोनों पे आपको केबल ब्रेडेड केबल मिलती है। यहाँ पर ये हेडफोन जैक से लेकर यहाँ इनलाइन माइक तक आपको ब्रेडेड केबल मिलती है और उसके बाद रेगुलर केबल है। इन दोनों ईयरफोन्स में सेम सिचुएशन है। बाकी दोनों ईयरफोन्स में आपको ये 3.5 mm जैक एंगल्ड वाला मिलता है 90 डिग्री वाला, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है रेगुलर से क्योंकि ये फिर आसानी से यूज़ हो जाता है। मतलब ऐसे आपको जेब में पॉकेट में डालते जब इसको अड़ता नहीं है, बाकी यूज़ करते ही ऐसे रेस्ट कर लेता है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है दोनों में। बाकी इस केबल की खासियत ये भी है कि ये टैंगल नहीं होती, आपस में उलझती नहीं है, तो ये काफ़ी ईजी रहता है आपको यूज़ करने में दोनों ईयरफोन्स में। और आपको ये चीज़ दोनों सेम मिलती है, दोनों में आपको टैंगल फ्री केबल मिलती है। बाकी दोनों ईयरफोन्स में आपको इनलाइन माइक मिलता है, उसके अंदर साथ आपको एक बटन भी मिलता है जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, सॉन्ग अगले ट्रैक पे स्किप कर सकते हैं या फिर गूगल असिस्टेंट और सिरी भी यूज कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो, और ये है क्वालिटी बोट बेस सेट 152 के इनलाइन माइक की। तो ये है क्वालिटी बोट पे सेट 162 के इनलाइन माइक की। पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की जो कि साउंड क्वालिटी है, जिससे जज करेंगे हम इसको आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही ईयरफोन्स काफी डिसेंट साउंडिंग ईयरफोन्स हैं, दोनों का काफी डिसेंट फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है और दोनों ही ईयरफोन्स अपने अपने फ्लेवर में साउंड सर्व करते हैं आपको। तो बोट बेस हेड 152 काफी ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन्स हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही बैलेंस मिलती है साउंड जो कि बेस, मिड्स और हाई फ्रिक्वेंसीज है, और इनकी क्लैरिटी भी 162 से थोड़ी ज्यादा है। पर इनमें जो सबसे बड़ी कमी है जो कि है बेस फ्रिक्वेंसी की, तो अगर आप हिप हॉप सॉन्ग सुनते हैं या फिर R&B सॉन्ग सुनते हैं तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे ईयरफोन्स। इसके बजाय आपको 162 ज्यादा पसंद आएंगे इस मामले में, क्योंकि जो बोट बेस हेड 162 है वो थोड़े बेस ही साउंड करते हैं, तो हिप हॉप और R&B और बेस हैवी सॉन्ग्स के लिए काफी बढ़िया हैं वो, और मैं कहूँगा काफी ज्यादा बढ़िया बेस प्रोड्यूस करते हैं। बस इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कम आ जाती है 152 के कंपेरिजन में। अब मेरा मतलब ये नहीं कि दोनों ही ईयरफोन्स बहुत ही बेकार साउंड है, बिल्कुल ट्रैश ऐसा है, पर दोनों ही अलग अलग लोगों के लिए बने हुए हैं। अगर आपको ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन सुनने पसंद है तो 152 लीजिए, अगर आपको थोड़े बेस हैवी सुनने पसंद तो 162 लीजिए। और एक और छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा साउंड क्वालिटी में जो कि है लाउडनेस। तो दोनों ही ईयरफोन्स काफी लाउड साउंडिंग ईयरफोन्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कमी नहीं होगी आवाज की। पर ये चीज़ है कि अगर जैसे ही आप 80% तक सुनते हैं तो ठीक है, जैसे ही 80% आप क्रॉस करेंगे तभी आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन सुनने को मिलेगी, और ये दोनों ईयरफोन्स में सेम सिचुएशन है, दोनों हल्के से डिस्टॉर्ट करते हैं हायर वॉल्यूम लेवल्स पे, पर ये काफ़ी लाउड है और आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी 80% से ऊपर वॉल्यूम करने की। तो लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इसका प्राइस है। ये काफ़ी डिस्कशन का बहुत बड़ा चीज़ नहीं है क्योंकि दोनों ही ईयरफोन्स सेम प्राइस रेंज में फॉल होते हैं, दोनों ईयरफोन्स 500 पे प्राइस हुए हैं। बाकी आप इसको लाइटनिंग डील में 450 खरीद सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक कर लीजिए और अपना किस्मत आजमाइए वहां पर। पर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला इसका तो, अगर आपको ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन ज्यादा पसंद है तो आप जाइए 152 के साथ, और अगर आपको थोड़े बेस हैवी सुनना पसंद है तो 162 के साथ। पर मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल बेस्ट ईयरफोन नहीं है बजट रेंज में जो 500 की है। इससे बढ़िया मेरे पास अभी भी एक और ईयरफोन आए हैं यहाँ पर जो कि है वन मोर पिस्टन फिट, अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो इनिशियल इंप्रेशन ये है कि उनसे ज्यादा बढ़िया दोनों से, मतलब इसके अंदर बेस भी काफी बढ़िया और
क्लैरिटी भी काफी ज्यादा है, तो इसका फुल रिव्यू जल्दी आएगा और जैसे ही आएगा आप टॉप राइट कॉर्नर से देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें वो वीडियो। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी, और अगर लगी तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे को, और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी बटन दबा दीजिए। और ये थी आज की वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही अगली वीडियो में।